घंटे के 8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आईवीन 7 और मैं हूं आपके साथ हरप्रता आर्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों का सिलसिला। दिल्ली के भलसुआ थाना इलाके में 5 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। बलात्कार का आरोप एक मंदिर के 45 वर्षीय पुजारी पर लगा है। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस ने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों इंजीनियर्स पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप। यूपी के सहारनपुर से सरेआम बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर एक व्यापारी की हत्या कर दी और लाखों रुपए लूटकर फरार। यूपी के आगरा में स्कूल से अपने बच्चे के फेल होने का कारण पूछने पर स्कूल ने बच्चे के अभिभावकों को 1 करोड़ का नोटिस भेज दिया। परिवार ने स्कूल की मनमानी रोकने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार की अपील की। यूपी के बांदा में एक बेटे पर अपने पिता की हत्या और मां पर जानलेवा हमला करने का आरोप। दरअसल जमीन विवाद के चलते बेटा अपने मां बाप से नाराज था, जिसके चलते बेटे ने अपनी मां और पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। झारखंड के चतरा में एक निजी टीवी चैनल के संवाददाता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले पत्रकार का नाम इंद्रदेव यादव बताया जा रहा है। लखनऊ की पुलिस ने एक सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ करके 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास करीब 12 लाख रुपए और 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हर मैच में 1-2 करोड़ का धंधा करता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों को फोन कर गाली देने और महिला पुलिस से अश्लील बातें करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 810 गुमनाम नंबरों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दारोगा और कांस्टेबल पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उन्हें लंबित कर दिया गया है। आरोप के मुताबिक उन्होंने 14 साल के बच्चे को घर से उठाकर सारी रात कोतवाली में रखा। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने सड़कों पर डकैती करने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जिसकी सरगना युवतियां हैं। पुलिस ने 2 महिला सरगना समेत 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से कई हथियार, टाटा सफारी गाड़ी और 5.5 लाख रुपए बरामद किए। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक पर एक युवती को ब्लैकमेल करने और उसकी शादी तोड़वाने का आरोप लगा। दरअसल आरोपी ने युवती को अपने प्यार में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर वो वीडियो उसके पति को भेज दिया। उसके पति और पत्नी में तलाक हो गया। इसके बाद जब पीड़ित परिवार पुलिस के साथ आरोपी युवक के घर पहुंचा तो युवक के घर वालों ने पहले तो युवक की जमकर धुनाई कर दी, उसके बाद पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया। दिल्ली के वसंत कुंज के किशनगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने खुदकुशी कर ली। लड़की के परिवार के मुताबिक उनका पुराना पड़ोसी लगातार लड़की को परेशान करता था। पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मॉरिस नगर में एक लड़की ने परीक्षा में पास न होने के कारण खुदकुशी कर ली। लड़की ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने माफी मांगते हुए अपने अंगदान करने की बात लिखी, जिसके बाद उसकी आंखें दान कर दी गई। पंजाब के फाजिलका में पति पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपना MMS बनवाया और फिर पति को ब्लैकमेल करवाने लगी। आरोपी महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी, उसके 2 बेटे भी हैं। महिला के आशिक ने एक क्लिपिंग दिखाकर उसके पति से 35 लाख रुपए की मांग की और 5 लाख रुपए ऐड भी लिए। इसके बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत की और आरोपी आशिक पकड़ा गया, जिसने महिला की पोल खोल दी। हरियाणा के सोनीपत में एक नाती पर अपने नाना की हत्या का आरोप लगा। दरअसल नाना ओम प्रकाश अपने नाती को शराब पीने से रोकते थे। इसी बात पर गुस्सा होकर उसने एक दिन नाना को पीट पीट कर मार डाला। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में एक गाड़ी और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा टर्न लेते वक्त हुआ। राजस्थान के उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डैम में गिर गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, गर्भवती महिला सहित 4 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कार का आगे का पहिया फट गया। कानपुर में कुछ युवकों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। 2 युवक बाइक पर थे, उन पर करीब 10 लड़कों ने हमला बोल दिया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला की शिकायत का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में महिला ने एक डेरा प्रमुख पर रेप का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में ज्वेलरी शोरूम से हुई 40 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक लुटेरे और सुनार को गिरफ्तार कर 30 लाख के जेवरात बरामद कर लिए। राजस्थान के कोटा में एक कार में भीषण आग लगने से चालक जिंदा जल गया। घटना के समय मौजूद लोगों ने एक दूसरे व्यक्ति को कार में से निकलकर भागते देखा। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। चेन्नई के थीम पार्क में एक झूला टेस्ट राइड के दौरान गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राइड का ट्रायल किया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। आसम में डिस्को डांसर नाम का राइड अचानक गिर गया, जो 3 टुकड़ों में टूट गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे के पीछे मैकेनिकल फॉल्ट बताया जा रहा है।
ये तस्वीरें जिम कॉर्बेट की रामनगर रेंज की हैं, जहां शिकार की तलाश में निकले एक बाघ को एक लंगूर का पीछा करना खासा भारी पड़ गया। लंगूर का पीछा करते करते हुए बाघ पेड़ पर जा चढ़ा। बाघ को लंगूर ने पहले खूब चक्कर लगवाया और फिर पेड़ से छलांग लगाकर 9-11 हो गया और झपट्टा लगाने वाला बाघ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गुरुवार देर रात विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव AN-225 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर जहाज के क्रू मेंबर्स का भव्य स्वागत किया गया। नोएडा के एक गोदाम में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में ले लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने पति के साथ ताजमहल का दीदार किया। प्रीति के ताजमहल पहुंचने पर उनके प्रशंसक एक झलक पाने के लिए उत्साहित थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हिंदू सेना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन किया। हिंदू सेना के मुताबिक ट्रंप के आने से आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। राजस्थान के जेठाना में 3 गाड़ियों को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि वाहनों में 5 लाख रुपए नकदी और कई अहम दस्तावेज भी थे। देहरादून की तहसील त्यूनी में बादल फटने से तबाही मच गई। कई हेक्टेयर खेती की जमीन मलबे में तब्दील हो गई। घास चरने गए 200 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई। आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू विधायक मनोरमा देवी की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर छापेमारी की। बता दें, इस मामले के आरोपी रॉकी ने अपने एक बालिया बयान में गोली चलाने की बात मान ली। आदित्य सचदेवा की मौत को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गया पुलिस हत्या के 5 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को आदित्य के खून से सने हुए कपड़े उसके घर से ले आई। आदित्य हत्याकांड पर आईबीएन 7 के एक कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में जेडीयू और आरजेडी ने जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया, तो उधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के गढ़ बनारस में रैली की और संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज के नारे के साथ मिशन यूपी का आगाज किया। नीतीश ने कहा कि बिहार से बाहर भी हमारा दम है। इस दौरान नीतीश को तलवार भेंट करने वाले कार्यकर्ताओं से नीतीश ने कहा कि उन्हें तलवार नहीं कलम की जरूरत है। नीतीश के यूपी दौरे पर आजम खान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश यूपी के दौरे करके एसपी को कमजोर ना करें बल्कि एसपी को समर्थन का ऐलान करें। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश अलग रहकर फासिस्ट ताकतों को मजबूत करेंगे। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज बढ़ता जा रहा है और नीतीश बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, उन्हें पहले बिहार में देखना चाहिए। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तंज कसा। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी का अभी पूरा ध्यान शराबबंदी पर है। जब उनका ध्यान बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर होगा तब वो भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश सेक्युलर ताकतों को कमजोर कर रहे हैं। वाराणसी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद पुजारियों ने नीतीश कुमार से गंगा पूजन भी करवाया। गंगा आरती के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बचपन से ही गंगा नदी से उनका लगाव रहा है। हालांकि इस दौरान नीतीश ने कहा गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर पर भी चिंता जताई। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण के आरोपों को गलत बताते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। रमन सिंह ने कहा है कि पूरे मामले में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बता दें, स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक हेलीकॉप्टर को $50 लाख में खरीदा और इसके लिए करीब $15 लाख का कमीशन लिया। राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। दरअसल सरकार ने 9वीं की पाठ्य पुस्तक से आजादी की रात पंडित नेहरू के संबोधन समेत 2 देशभक्ति से जुड़ी कविताएं हटा दी। हालांकि संघ के विरोध के बाद सरकार ने देशभक्ति की 2 कविताएं फिर से पुस्तक में जोड़ने का फैसला लिया, लेकिन सरकार पंडित नेहरू के भाषण पर पूर्व विचार को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मिलकर हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से सोनिया को धन्यवाद दिया। उज्जैन में चल रहे आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में आज खेती और संघ विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत सर कार्यवाहक भैया जी जोशी के भाषण से होगी। इसके अलावा बाबा रामदेव और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी कार्यक्रम में शामिल होना है। इससे पहले उज्जैन के सिंहस्थ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 दिवसीय विचार महाकुंभ की शुरुआत की। यहां अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में संघ प्रमुख भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम पर जोर दिया। उज्जैन सिंहस्थ में नागा साधुओं के 2 गुटों में शुरू हुई बहस खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान गोली त्रिशूल और लाठियों का भी जमकर इस्तेमाल का आरोप लगा।
इस घटना में चार साधु घायल हो गए, जिसके बाद घायल साधुओं को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई के चीफ रघुराम राजन पर निशाना साधा। राजन को पद से हटाने की मांग की। स्वामी ने राजन को देश के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि रघुराम राजन हमारे देश के अनुकूल नहीं है। स्वामी ने कहा कि उनकी नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। राजन की नीतियों से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। जितनी जल्द से जल्द हो सके उन्हें मुक्त कर शिकागो भेज देना चाहिए। उत्तराखंड में केंद्र की हुई किरकिरी के बाद शिवसेना ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के महत्व को समझी। जनता ने राज करने के लिए हाथ में दुधारी तलवार दी है, इस तलवार से खुद की नाक मत काटो। दाऊद के पाकिस्तान में होने के IBN 7 के खुलासे के बाद कांग्रेस ने कहा कि दाऊद के पाकिस्तान में होने पर अगर शक है तो पीएम मोदी को है। वहीं बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा कि दाऊद को पकड़ने के लिए कुछ अलग रास्ता अख्तियार करना होगा। और शिवसेना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार क्या कर रही है। उधर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि दाऊद को जिंदा भारत लाना बहुत जरूरी है। भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान से उसे भारत को कभी नहीं सौंपेगा। पीएम डिग्री विवाद पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लोगों को भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी ने केजरीवाल से पूछा कि वो सोनिया गांधी से कब डिग्री मांग रहे हैं। आजम खान ने खुद को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने की खबरों से इनकार करते हुए राज्यपाल राम नाईक पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगर वो स्पीकर बन गए तो विधानसभा में दंगल हो जाएगा। कई दिनों से फरार चल रहे सस्पेंड IAS अफसर JS सिंधु ने जयपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सिंधु 100 करोड़ की जमीन डील विवाद में आरोपी हैं और 6 महीने से फरार चल रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में IPC की धारा 499 का भविष्य तय होगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। रांची में CRPF की 133 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स को फिट करार देने के लिए मेडिकल टीम को घूस देने का आरोप है। CBI टीम और उनके रांची और कोलकाता के घर पर छापेमारी भी की। मुंबई के दहीसर में एक बार के बाहर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वही बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। हरियाणा के पानीपत स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन में एक के बाद एक करीब 8 से 15 धमाके हुए। रेलवे और पुलिस के अधिकारी धमाकों की जांच में जुट गए। राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्रों के बीच खूनी संघर्ष में बिहार के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि झड़प में बिहार का एक दूसरा छात्र गंभीर रूप से जख्मी है। दरअसल देर रात एक कोचिंग के 40 छात्रों ने दूसरे कोचिंग के छात्रों पर चाकू और सरिये से हमला कर दिया। बिहार के कटिहार के कस्तूरबा गांधी स्कूल में बासी खाना खाने से एक छात्र की स्कूल में ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर है। आरोप है कि स्कूल ने छात्रा को का इलाज अच्छे डॉक्टर से न कराकर झूला छाप डॉक्टर से कराया। स्पाइस जेट पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है। 4 साल पहले स्पाइस जेट ने दिव्यांग होने के चलते एक मुसाफिर को विमान से उतार दिया था। मुंबई के दादर में एक 80 साल की बुजुर्ग ने अपने दिमाग से एक शातिर लुटेरे को सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल लुटेरा पुलिस वाला बनकर लूट करने की कोशिश कर रहा था, तभी दादी को शक हुआ और उन्होंने उस लुटेरे की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्वामी परमानंद पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि स्वामी परमानंद के कुछ कथित वीडियो सामने आए। दावा किया जा रहा है कि कथित वीडियो में परमानंद महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की उनके ही पार्टी के एक मंत्री खिल्ली उड़ाते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्रकार एक गांव में शौच मुक्त भारत का संदेश देने गए थे, लेकिन मंत्री जी वहां खुद खुले में पेशाब करते नजर आए। पूर्व फुटबॉल कप्तान सोना चौधरी ने यौन शोषण पर मुहिम चलाने के लिए IBN 7 से शुक्रिया कहा। वहीं खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि अगर सोना महिला खिलाड़ियों के साथ हुए शारीरिक शोषण पर लिखित शिकायत देती है तो मंत्रालय जरूर कार्रवाई करेगा। यूपी के हाथरस में एक स्कूल में उनके सेक्शन की को जाति के आधार पर बांटने का मामला सामने आया। हाथरस के बंगला इंटर कॉलेज के कुछ टीचरों ने आरोप लगाया कि वहां के प्रिंसिपल सभी कक्षाओं के सेक्शन जनरल OBC और SC के आधार पर बनाए हैं। टीचरों के मुताबिक सेक्शन ए में जनरल, सेक्शन बी में OBC और सी में SC के छात्र छात्राएं बांट दिए गए हैं। यही नहीं, बच्चों की जाति के आधार पर बांटी गई कक्षाओं में उसी जाति के क्लास टीचर नियुक्त किए जाते हैं।
IB7 की खबर चलाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। साथ ही मामले की जांच बैठा दी गई। इससे पहले मायावती ने भी हाथरस से स्कूल में जाति के आधार पर बच्चों की पढ़ाई की निंदा की थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में एम्बुलेंस को सड़कों पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए DM ने रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में लोग एम्बुलेंस के प्रति काफी संवेदनशील नजर आए। गुजरात के साबरकांठा और राजस्थान के माउंट आबू जिलों में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह से के कोई नुकसान की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में एक गांव को स्वच्छ बनाने के लिए वहां के प्रधान ने खुले में शौच करने पर जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा वो गांव में घूम घूम कर शौचालय बनवाने और खुले में शौच न करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही। केरल में दलित लड़की से रेप के खिलाफ दिल्ली में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बिहार के मोतिहारी में नदी में नहाने के 4 युवकों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 1 लापता है, वहीं 1 युवक बच गया। गुरुवार को मध्य प्रदेश के 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रदेश में अव्वल आने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 12वीं की परीक्षा में 4th स्थान पाने वाली आरती को भी सम्मानित किया गया। आरती ने गरीबी और मुश्किलों के बावजूद ये मुकाम हासिल किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बुजुर्ग पिछले 9 साल से खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 9 साल पहले उसके रिश्तेदार ने जमीन के लालच में उसे मृत घोषित कर दिया था। हैदराबाद में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट देने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सलमान खान और उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया को सलमान की मां के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। यहां तक कि लूलिया सलमान की मां सलमा का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर आई और उनको सहारा देकर कार में बैठाया। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कल रात मुंबई से रवाना हुई। ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या भी थी। रिया कपूर की फिल्म वीरे की शादी में सोनम कपूर के साथ करीना कपूर को कास्ट किया जा रहा है। ये फिल्म इसी साल जुलाई में शुरू होगी। टक्कर जासूस की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को किस करने से मना कर दिया। ये किस एक गाने के बीच का सीक्वेंस था। अभिनेत्री स्वरा भास्कर इसी साल के अंत तक अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेंगी। स्वरा ने लंबे समय तक इस बात को सीक्रेट रखा। वो तनु वेट्स मनु के राइटर को डेट कर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम की रिलीज डेट बदली जा रही है ताकि ऋतिक की फिल्म मोहनजोदड़ो के साथ उनके क्लैश को बचाया जा सके। मोहनजोदड़ो 12 अगस्त को रिलीज होगी, रुस्तम 5 अगस्त को रिलीज की जाएगी। लैटिन अमेरिका देश कोस्टारिका में गुरुवार सुबह ज्वालामुखी सक्रिय हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं और बादल की छटा फैल गई। इस घटना को एक शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया। इटली की राजधानी रोम में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। ट्विटर में हाई हील सैंडल नहीं पहनने पर एक रिसेप्शनिस्ट को घर वापस भेजने का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल ये महिला अपने बॉस के कहने के बाद भी अपने जूते बदलने को तैयार नहीं थी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्थानीय पुलिस एक महिला को नजदीकी से गोली को मार रही है। ये महिला एक बड़ा चाकू लेकर पुलिस के पास आ रही थी। IPL में खेले गए एक बेहद अहम मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने हैदराबाद सनराइजर्स को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद से मिले 147 रनों के लक्ष्य को दिल्ली ने 11 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे क्रिश मॉरिस, जिन्होंने 4 ओवर में महज 19 रन देकर 1 विकेट छटके। इसके अलावा बल्लेबाजी में डी कॉक ने ताबड़तोड़ 44 रन बनाए, तो वहीं आखिर में ऋषभ पंत और संजू सैमसन ने जीत दिलाई। IPL में आज एक ही मैच होगा, विशाखापट्टनम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा। मुंबई अंक तालिका में फिलहाल 5वें और पंजाब 8वें स्थान पर है। नरसिंह यादव और सुशील कुमार के बीच में से किसी एक को रियो टिकट देने के मामले में खेल मंत्रालय ने कहा है कि गेंद पूरी तरह से फेडरेशन के पाले में है और ये मामला काफी बड़ा है, तो खुद PM भी इस पर संज्ञान ले सकते हैं।